वेलकम अगेन, दिस इज अद्रिव। स्वागत है आपका मेरे चैनल अद्रिव सर में। अब बारिश का सीजन शुरू हो गया है तो हम नाव बनाते हैं। मैं भी नाव बनाता हूँ पर अलग टाइप की। आज के एपिसोड में और आने वाले दो एपिसोड में हम तीन अलग टाइप की नाव सीखेंगे। तो चलो बनाते आज की नाव। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम यूज करेंगे स्क्वायर शेप का पेपर और ग्लू। अब स्क्वायर पेपर लीजिए और उसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लीजिए। ऐसे अब इसे खोल लीजिए और इस साइड से भी फोल्ड कर लीजिए। ऐसे अब इसे ओपन कर लीजिए और उल्टा पलटा के हाफ में फोल्ड कर लीजिए। ऐसे अब इसे ओपन कर लीजिए और अपोजिट साइड में भी फोल्ड कर लीजिए। ऐसे अब इसे ओपन कर लीजिए, फिर इसे पलटा लीजिए और यहाँ से इस पॉइंट को दबा के इन दोनों पॉइंट्स को पास लाइए और एक ट्रायंगल बना लीजिए। अब इस पॉइंट को उठा के इस पॉइंट तक फोल्ड कर लीजिए। ऐसे अब इसे थोड़ा सा ओपन कर लीजिए और इन पॉइंट्स को इस तरफ दबा दीजिए। ऐसे अब इसे पलटा लीजिए। अब इस एज को मिडल लाइन के साथ अलाइन करके फोल्ड कीजिए। ऐसे अब इस ट्रायंगल को इस तरफ मूव कर लीजिए और इस एज को मिडल लाइन के साथ अलाइन करके फोल्ड कर लीजिए। इस तरह अब इस एज को यहां तक फोल्ड कीजिए और यहां से इसे फोल्ड कर लीजिए। ऐसे अब बचे हुए तीनों साइड्स पे भी कर लीजिए। ऐसे मैंने चारों साइड से कर लिया है। अब इस साइड की एक फोल्ड ओपन कर लीजिए और इस पार्ट को इस पॉकेट में डाल के ग्लू से चिपका दीजिए। ऐसे सेम दूसरे साइड में भी कर लीजिए। ऐसे अभी हमारे नॉर्मल नाव जैसे दिखेगी पर इसमें एक ट्विस्ट है। अब इसे थोड़ा सा ओपन कर दीजिए और इस पॉइंट से नीचे दबा दीजिए। और बन गई हमारी हाउस बोट। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।